पब्लिक इंटरेस्ट में पिछले हफ्ते भारत और कनाडा के बिगड़े रिश्तों पर बात हो रही है। उनकी जगह आपको हम बार बार समझा रहे हैं कि क्या वजह है इसकी, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है आज आप देख लें जहां इस इंटरनेशनल मुद्दे का जिक्र नहीं हो रहा है। आज भी डेवलपमेंट हुए, दो बयान आए, पहला कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर का और दूसरा अकाली दल के चीफ सरदार सुखबीर सिंह बादल का। कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर बिल ब्लेयर का कहना है कि नई दिल्ली से हमारे संबंध महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हरदीप निजर हत्याकांड की जांच जारी रहेगी, बिल्कुल होनी चाहिए। अब दूसरा बयान सुनिए, सुखबीर बादल ने नई बात कह दी, बताया कि जिन बच्चों ने कनाडा में पढ़ने के लिए अप्लाई किया था, पैसे भी जमा करवा दिए थे, एडमिशन भी हो गया था, लाखों की फीस भरकर भी उनका वीजा अटक गया है, वीजा नहीं आ रहा है। अब सवाल ये है कि वीजा किसने अटकाया और उसको दिलवाने के लिए रास्ता क्या है? नौजवान बच्चों का कनेडा जाना चाहते हैं जिन्होंने एडमिशन भी ले लिया पर हले उन्होंने वीजा नहीं आया, करोड़ों रुपये पंजाब के वो नौजवान बेचारे खर्च के उत्ते जाना सी। तो अज जी हालात है वो बड़ा उन्होंने अनसर्टनिटी हुई पी है कि बनूगा की, एक तो तैयारी करी बैठे से, एक पैसा खर्ची बैठे से। कई परिवार मैनू मिले है जिथे उत्थों इतने आना चाहते सी, कोई बीमार हो गया, कोई बुजुर्ग ने अपने पेरेंट्स बच्चों मिल आना सी। सो बड़ी दुविधा की सिचुएशन बनी पई है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा नू जल्दी तो जल्दी एदा कोई सलूशन लब लेना चाहिए। सब चाहते हैं समाधान निकले, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते खालिस्तान और गैंगस्टर वाले बैकग्राउंड में उलझ गए हैं। कनाडा की जमीन पर पनप रहे अपराध को लेकर भारत को चिंता इसलिए करनी चाहिए क्योंकि एनआईए और पंजाब पुलिस समेत भारत की कई एजेंसियां अच्छी तरह से जानती हैं कि खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टरों के बीच में गठजोड़ जो पक्का है ना, खालिस्तान विदेशी जमीन से जो गैंगस्टरों को ये हवा दे रहा है, ये क्यों दे रहा है? उन्हें महफूज रखने के लिए। उनकी पैसे से खिदमत का जो ठेका उठाया हुआ है खालिस्तानियों ने, तो बदले में गैंगस्टर खालिस्तानी आतंकवादियों के इशारे पर पंजाब में उन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जो आतंकी अकेले अपने दम पर अब नहीं दे सकते। यानी पाकिस्तानी एजेंसी ISI ने खालिस्तानियों को मोरा बना रखा है और खालिस्तानी आतंकियों ने गैंगस्टर्स को अपना औजार बना रखा है। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में ISI खालिस्तानियों की बजाय सीधा इन गैंगस्टर्स को खुद पालने लगे, जैसे हरविंदर सिंह उर्फ रिंडा के मामले में हुआ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।